हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस। बिफोर स्टार्टिंग करंट अफेयर्स एमसीक्यू सेशन ऑफ 30 मई, हम कल के होम असाइनमेंट को पहले डिस्कस करेंगे। आपका कल का क्वेश्चन था, विच बैंक बिकम द फर्स्ट बैंक टू इश्यू एफपीआई लाइसेंस टू एआईएफ अंडर गिफ्ट आईएफएससी। कौन सा बैंक बन गया पहला बैंक जिसने इश्यू किया फॉरेन पोर्टफोलियो लाइसेंस को अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के तौर पे अंडर जीआईएफटी आईएफएससी के लिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन बी यस बैंक, ऑप्शन सी आरबीएल बैंक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो पहला बैंक बन गया जिसने इश्यू किया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लाइसेंस को अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जो कि इनकॉर्पोरेटेड है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर आईएफएससी के लिए। इस इश्यूएंस के बाद जो एफपीआई लाइसेंस है उसको अपडेट कर दिया गया है। अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं। यह पहला एफपीआई लाइसेंस है जो कि इश्यू किया गया है एआईएफ को गिफ्ट आईएफएससी के अंतर्गत, जो कस्टडियन होगा बैंक का और डेजिग्नेटेड डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट होगा इंडिया के तरफ से ट्रू बीकन। इसका एस्टेब्लिशमेंट 2019 में हुआ था, हेडक्वार्टर इसका बैंगलोर में है। को फाउंडर और सीईओ इसके रिचार्ज पैटल है। कोटक महिंद्रा बैंक इसके सीईओ उदय कोटक है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। फाउंड किया गया था उदय कोटक के द्वारा फरवरी 2003 में। यस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार है, फाउंडर राणा कपूर। फाउंड किया गया था 2004 में। आरबीएल बैंक को फाउंड किया गया था अगस्त 1943 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके सीईओ विश्ववीर आहूजा है। नाउ लेट्स बिगिन आवर करंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 30 मई। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू बैन सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स। वर्ल्ड का पहला कंट्री जिसने बैन किया है सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है इंडिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चाइना। चाइना ने इश्यू किया एक टोटल बैन सिंथेटिक कैनाबिनॉइड के ऊपर। इसके बाद चाइना बन गया है पहला कंट्री जिसने बैन कर दिया है सारे सिंथेटिक कैनाबिनॉइड सब्सटेंस को। ये जो बैन है वो इफेक्टिवली होगा जुलाई 1, 2021 से। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कर्व करना मैन्युफैक्चरिंग और ट्रैफिकिंग ड्रग का। कैनाबिनॉइड होता क्या है, तो कैनाबिनॉइड कंपाउंड होता है जो कि पाया जाता है कैनाबिस में। जो मोस्ट नोटेबल कैनाबिनॉइड है वो आपका फाइटो कैनाबिनॉइड टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉइड है, जो कि प्राइमरी साइको एक्टिव कंपाउंड होता है कैनाबिस का। सिंथेटिक कैनाबिनॉइड जो है वो ह्यूमन मेड केमिकल होता है, उसको डिजाइनर ड्रग्स भी कहते हैं। ये जो डिजाइनर ड्रग होता है वो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल एनालॉग होता है एक कंट्रोल सब्सटेंस के तौर पे, जिसको कि डिजाइन किया जाता है ताकि मिमिक किया जा सके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ओरिजिनल ड्रग का। ये जो सिंथेटिक कैनाबिनॉइड है वो हाईली कैमोफ्लेज है, और कुछ जो है वो पाए जाते हैं ई सिगरेट के ऑयल पे भी, कुछ पाए जाते हैं कट टोबैको जो कि बनाया जाता है वेरियस फ्लावर पेटल्स से, प्लांट के स्टेम्स और लिप्स की मदद से, उसमें भी पाए जाते हैं ये। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, कैपिटल न्यू दिल्ली, करेंसी इंडियन नेशनल रूपी। जापान के प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा, कैपिटल टोक्यो, करेंसी जापानी येन। चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री रिन्यू मऊ ऑन मिलिट्री कॉपरेशन एंड मैरिटाइम इश्यू। अभी हाल ही में इंडिया और किस कंट्री ने रिन्यू किया है अपने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को मिलिट्री कॉपरेशन एंड मैरिटाइम इश्यू को लेकर। आपके ऑप्शन है चाइना, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी ओमान, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ओमान। इंडिया और ओमान ने रिन्यू किया है दो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, जो कि साइन किया गया था दोनों की तरफ से 2018 में मिलिट्री कॉपरेशन को लेके और एनेक्सर को लेके मैरिटाइम इश्यू का। ये जो मऊ है मिलिट्री कॉपरेशन का, इसको साइन किया गया था सेक्रेटरी जनरल ऑफ मिलिट्री ऑफ डिफेंस ओमान के जो थे डॉक्टर मोहम्मद बिन नसीर अल जबीक के द्वारा, और जो एम्बेसडर थे इंडिया के ओमान में मुनू महावर के द्वारा। मऊ जो है वो कॉपरेशन के लिए था मैरिटाइम इश्यू को लेकर, जिसको साइन किया गया था कमांडर ऑफ रॉयल नेवी ऑफ ओमान, हेड ऑफ मैरिटाइम सिक्योरिटी कमिश्नरी रियल एडमायरल शेख बिन नसीर अल रबी के द्वारा, और इंडियन एम्बेसडर जो थे ओमान में मुनू महावर के द्वारा। अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं। ओमान के सुल्तान हतम बिन तरीक अल सैयद है, कैपिटल मस्कत, करेंसी ओमानी रियाल। चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान, कैपिटल इस्लामाबाद, करेंसी पाकिस्तानी रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, अकॉर्डिंग टू WHO एंड हुज स्टडी इट वॉज कंडक्टेड दैट लॉन्ग वर्किंग आवर्स कैन इंक्रीज डेथ फ्रॉम हार्ट डिजीज स्ट्रोक। किसके WHO और किसके स्टडी के अनुसार ये कंक्लूड किया गया है कि जो लॉन्ग वर्किंग आवर है वो इंक्रीज कर रहा है डेथ का जो रीजन है हार्ट डिजीज और स्ट्रोक के कारण। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है ILO, ऑप्शन बी WTO, ऑप्शन सी यूनिसेफ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ILO। जो एक न्यू स्टडी जिसको कंडक्ट किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के द्वारा, लॉन्ग वर्किंग आवर्स जो है वो मोर पीपल को रिस्क पर डाल रहा है वर्क रिलेटेड डिसेबिलिटी के लिए, और अर्ली डेथ भी हो रहा है स्ट्रोक व इस्केमिक हार्ट डिजीज के कारण। ये जो स्टडी है ये पहला इस काइंड का स्टडी है जिसमें जो लॉस ऑफ लाइफ और हेल्थ जो एसोसिएटेड है वर्किंग लॉन्ग आवर्स से उस पर फोकस किया गया है। जो वर्किंग है 55 और मोर आवर्स पर वीक वो एसोसिएटेड है एस्टिमेटेड 35% हायर रिस्क स्ट्रोक का और 17% हायर रिस्क है डाइंग फ्रॉम इस्केमिक हार्ट डिजीज से, अगर हम कंपेयर करें 35 से 40 आवर्स वीक वर्क से। तो
2016 में लॉन्ग वर्किंग आवर्स के कारण 7.45 लाख डेथ हुआ था स्टॉक और इसमें एक डिजीज के कारण, जो कि 29% इंक्रीज है 2000 के। अब हम कुछ फैक्ट्स को देख रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इसके डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एडनोम है, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड पे है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO इसके डायरेक्टर जनरल ग्रे रीडर है, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड पे है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेगुलेट करता है, फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को नेशंस के बीच में। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। फाउंड किया गया था 1 जनवरी 1995 को। 564 मेंबर्स के इसके पार्टिसिपेंट है। डायरेक्टर जनरल इसके नगोजी ओकोंजो इवाला है। यूनिसेफ को हम यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के नाम से भी जानते हैं। ये यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्रोवाइड करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंटल एड को चिल्ड्रेन को पूरे विश्व में। ये जो एजेंसी है वो मोस्ट वाइड स्प्रेड और रिकॉग्निजिबल है सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्ल्ड में। इसमें प्रेजेंस है 192 कंट्रीज एंड टेरिटोरीज का। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूएस में है। इसकी हेड हेनरिटा स्फोरे है, प्रेसिडेंट। टोर होटरेम फॉर्म किया गया था 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु टाई अप विद DHE टू लॉन्च इनोवेशन चैलेंज फॉर क्रिएटिंग इंडियन लैंग्वेज लर्निंग एप। किसने टाई अप किया है DHE के साथ ताकि वो लॉन्च कर सके इनोवेशन चैलेंज को, ताकि क्रिएट किया जा सके इंडियन लैंग्वेज लर्निंग ऐप को। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है माई गॉव, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी बायजूस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए माई गॉव। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है माई गॉव, उसने एसोसिएशन किया है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन DHE के साथ और मिलकर लॉन्च किया है एक इनोवेशन चैलेंज को, ताकि डेवलप किया जा सके एप्लीकेशन इंडियन लैंग्वेज लर्निंग के ऊपर। मकसद क्या है इसका, तो क्रिएट करना एक ऐप को जो कि प्रमोट करेगा रीजनल लैंग्वेज लिटरेसी को, उसके साथ क्रिएट करेगा ग्रेटर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को कंट्री के बीच। इस ऐप को डेवलप किया जा रहा है इंडिविजुअल टू लर्न सिंपल सेंटेंस के लिए सीख सके उनके लिए, और वो इंडियन लैंग्वेज को एक्वायर कर सके, समझ कर सके। ये जो इनोवेशन चैलेंज है ये ओपन है सारे इंडियन इंडिविजुअल स्टार्टअप कंपनी के लिए। जो टॉप 3 होंगे उनको फंडिंग होगा 20 लाख रुपीज का, 10 लाख रुपीज एंड 5 लाख रुपीज दिए जाएंगे ऐप को बेटर बनाने के लिए। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग एक पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था ताकि अचीव किया जा सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ। फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 में, रिप्लेस करके प्लानिंग कमीशन को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी है और CEO अमिताभ कांत। बायजूस, तो बायजूस एक इंडियन मल्टीनेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक पे है। इसको फाउंड किया गया था 2011 में बायजू रविंद्रन एंड दिव्या गोकुलनाथ के द्वारा। बायजू वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसने रेज किया $1 बिलियन 2021 में। बायजूस का मार्केट वैल्यूएशन जो है अभी $15 बिलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच मिनिस्ट्री एल्डर लाइन प्रोजेक्ट टू बी फंक्शनल इन ऑल स्टेट बाय एंड ऑफ मई। किस मिनिस्ट्री का एल्डर लाइन प्रोजेक्ट है जो कि फंक्शनल हो जाएगा सारे स्टेट में मई के अंत तक। आपको ऑप्शन है, ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उन्होंने कहा है कि जो स्टेट वाइड कॉल सेंटर अंडर एल्डर लाइन प्रोजेक्ट होगा ये एड्रेस करेगा जो डिफिकल्टी फेस किया जा रहा है एल्डर्स के द्वारा ऑन गोइंग COVID-19 पैंडेमिक के दौरान। ये जो एल्डरली है वो रीच करेगा कॉल सेंटर को टोल फ्री नंबर 14567 के माध्यम से। तो मिनिस्ट्री है वो वर्क कर रहे हैं ताकि इस कॉल सेंटर का फंक्शनल बनाया जा सके सारे स्टेट के लिए मई 2021 के एंड तक। जो प्रोजेक्ट एल्डर लाइन है उसको स्टेट किया गया कि सपोर्ट किया जाएगा टाटा ट्रस्ट और NIC फाउंडेशन के द्वारा। ये जो फैसिलिटी है प्रोवाइड करेगा असिस्टेंट को, कंफर्ट को, सीनियर सिटीजन को COVID-19 पैंडेमिक के दौरान। अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं। तो एल्डर लाइन अक्रॉस इंडिया ये जो फैसिलिटी है एल्डर लाइन का वो अभी ऑपरेशनल है 5 मेजर स्टेट में। कौन कौन से स्टेट में अभी ऑपरेशनल है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक पे जो फैसिलिटी है ये ऑपरेशनल है। तेलंगाना में मोर देन ईयर हो चुका है, तेलंगाना में तो 1 साल से ज्यादा हो चुका है। अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसके यूनियन मिनिस्टर थावरचंद गहलोत है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट किशन पाल गुर्जर, रतन लाल कटारिया और रामदास अठावले है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नरेंद्र सिंह तोमर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु एक्सटेंड FCRA रजिस्ट्रेशन फॉर NGO टिल September 30, 2021। किसने एक्सटेंड कर दिया है FCRA रजिस्ट्रेशन को NGO के लिए September 30, 2021 तक। आपको ऑप्शन है, ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने एक्सटेंड कर दिया जो वैलिडिटी था रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का, जो कि दिया गया है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ को अंडर सेक्शन 50 ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए एक्ट 2010 के अंतर्गत, उसको अब सेप्टेम्बर 30, 2021 कर दिया गया एक्सटेंशन को, ताकि जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया है कोविड-19 के दौरान उसको ध्यान में रख के ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है बहुत सारे एनजीओ को सेट किया गया, जो एक्सपायर कर जाएगा सेप्टेम्बर 29, 2020 को एक्सपायर हो गया था उसके लिए बढ़ा के मई 31 किया गया था और उसको फर्दर एक्सटेंशन दिया गया है। अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए, एफसीआरए जो था वो रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था, जो एक्सेप्टेंस और यूटिलाइजेशन को देखेगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फॉरेन हॉस्पिटलिटी को सर्टेन इंडिविजुअल या एसोसिएशन या कंपनी के द्वारा। इसका मकसद है प्रोहिबिट करना फॉरेन कंट्रीब्यूशन को जो कि यूज किया जा रहा हो वैसी एक्टिविटी के लिए जो कि डेट्रीमेंटल हो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएसए, इसके यूनियन मिनिस्टर अमित शाह है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जी किशन रेड्डी और नित्यानंद राय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स श्री निर्मला सीतारमन, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रीइंबर्स जीएसटी ऑन कोविड रिलेशन डोनेशन, कौन सा स्टेट पहला स्टेट बन गया जिसने रीइंबर्स किया है जीएसटी को कोविड रिलेटेड डोनेशन के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा। हरियाणा बन गया पहला स्टेट भारत का जिसने रीइंबर्स किया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी को, जो कि पेड किया गया है कोविड रिलेटेड डोनेशन के लिए स्टेट या स्टेट रन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये एप्लीकेबल होगा जून 30 तक। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनकरेज करना जो एफर्ट है कॉपरेशन का एनजीओ और इंडिविजुअल का फैसिलिटेट करने के लिए डोनेशन को, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन को, कोविड-19 वैक्सीन रेमसेविर इंजेक्शन को। जो 15 आइटम्स जो कि एलिजिबल है रिइंबर्समेंट के लिए उसमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन फिलिंग सिस्टम, ऑक्सीजन शॉर्टेड टैंक, ऑक्सीजन जनरेटर, वैक्सीन रेमसेविर वेंटिलेटर एक्सेट्रा आता है। ये जो रिइंबर्समेंट है उसको क्लेम किया जा सकता है एक सर्टिफिकेट के बेसिस में जो कि इश्यू किया जाएगा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा। ये स्कीम एप्लीकेबल है सर्टेन नोटिफाइड आइटम्स के लिए जो कि डोनेट किया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट कॉर्पोरेट के द्वारा, एनजीओस के द्वारा या इंडिविजुअल हरियाणा गवर्नमेंट को, हॉस्पिटल को, इंस्टीट्यूशन को जो रन किया जा रहा है उनके द्वारा उनको। इस डोनेशन का मकसद क्या है, जीएसटी को रिइंबर्स करना मेनली। गुजरात ने अनाउंस किया था रीइंबर्समेंट आईजीएसटी को जो कि लगाया जा रहा है कस्टम के ऊपर इंपोर्ट ऑफ कोविड रिलेटेड सप्लाई के लिए। ये वेवर भी वैलिड है जुलाई 31, 2021 तक। अब कुछ फैक्ट को हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है, गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉन बेटफ्रेड ब्रिस्टिस मास्टर 2021, किसने जीता है बेटफ्रेड ब्रिटिश मास्टर 2021 का। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है रिचर्ड ब्लांड, ऑप्शन बी ग्यूडो मिग्लोजो, ऑप्शन सी शुभांकर शर्मा, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रिचर्ड ब्लांड। जो इंग्लिश प्रोफेशनल गोल्फर है रिचर्ड ब्लांड, उन्होंने जीता है बेटफ्रेड ब्रिस्टिस मास्टर 2021 का, जिसको कि होस्ट किया गया था डैनी विलेट के द्वारा। उन्होंने जीता है, ये पहला यूरोपियन टूर विक्ट्री है उनका। उन्होंने डिफीट किया है ग्यूडो मिग्लोजी को इटली के। इंडियन गोल्फर जो शुभांकर शर्मा है उनने एंड किया है 34th पोजीशन में और वो एक लौटे इंडियन है जिन्होंने 4 पार्टिसिपेंट में ये पोजीशन को हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु लॉन्च नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप एंड एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप, किसने लॉन्च किया है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप को। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन सी नितिन जयराम गडकरी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं। उन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप और एरिया ऑफिस मॉनिटरिंग ऐप को, ताकि मॉनिटर किया जा सके मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के वर्क साइट को। ये जो ऐप होगा वो मदद करेगा ट्रांसपेरेंसी लाने में, अकाउंटेबिलिटी को लाने में, ताकि जो एग्जीक्यूशन है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का उसको मॉनिटर किया जा सके। जो NMMS ऐप है ये फैसिलिटेट करेगा रियल टाइम अटेंडेंस को वर्कर का मनरेगा के वर्कसाइट पे, साथ साथ जियो टैग करेगा फोटोग्राफ को। जो एरिया ऑफिस मॉनिटरिंग ऐप है वो मदद करेगा सुपरवाइजरी ऑफिशियल को कि रिकॉर्ड करे फाइंडिंग को ऑनलाइन और टाइम स्टैम्प करे जियो कोऑर्डिनेट को, टैग किया जाएगा फोटोग्राफ के माध्यम से। अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट साध्वी निरंजन ज्योति, रविशंकर प्रसाद जिनके बारे में ऑप्शन में मेंशन था, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं। नितिन जयराम गडकरी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को संभाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु अपॉइंटेड एज सीनियर एडवाइजर टू यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, किनको अपॉइंट किया गया है सीनियर एडवाइजर के पोस्ट में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है पूनम गुप्ता, ऑप्शन बी नीरा टंडन, ऑप्शन सी राखा एम मेनन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नीरा टंडन।
तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अनाउंस किया इंडियन अमेरिकन नीरा टंडन को कि वो ज्वाइन करेंगे व्हाइट हाउस को एक सीनियर एडवाइजर के तौर पर प्रेसिडेंट जो बिडेन की। वो करेंटली वर्क कर रही है प्रेसिडेंट के सीईओ ऑफ ए प्रोग्रेसिव थिंक टैंक सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस के पोस्ट पे। नीरा टंडन प्रीवियसली सर्व कर चुकी है सीनियर एडवाइजर के तौर पर भी हेल्थ रिफॉर्म के लिए यूएस के डिपार्टमेंट में हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस के लिए। पूनम गुप्ता जिनके बारे में ऑप्शन में मेंशन था, तो पूनम गुप्ता न्यू डायरेक्टर जनरल बनी है पॉलिसी थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की। रेखा एम मेनन एक्सेप्शन इंडिया के चेयरपर्सन रेखा एम मेनन को अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन के तौर पर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी नेस्कॉम के लिए। ये क्वेश्चन आपका होम असाइनमेंट का है। हु बिकम द फर्स्ट एसएफबी टू ऑफर ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग फॉर एनआरआईज। कौन बन गया पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसने ऑफर किया है ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग एनआरआईज के लिए। आपको ऑप्शन है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, ऑप्शन बी जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन सी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्युएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।